लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका भाई आपके जाना है शहजाद, आज एक दफा फिर जुम्मेदार आ गया और जुम्मेदार गाड़ियों का रिव्यू लेंगे और रीजनेबल से रीजनेबल गाड़ियाँ आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि सस्ती से सस्ती गाड़ी दिखाऊं और जो मार्केट की गाड़ियाँ उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो चलते हैं अपनी पहली गाड़ी की तरफ और उसका रिव्यू लेते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक और गाड़ी नजर आई है और ये है सुजुकी मेहरान VX-R और ग्रे कलर के अंदर आ रही है, काफी अच्छी कंडीशन में है, 2017 मॉडल है। और अगर इस गाड़ी के बारे में और बताते चलो तो ये 800 cc के अंदर आती है और इसके अंदर जो है आफ्टर मार्केट और रिम्स लगे हुए हैं और जो है इसके टायर्स की कंडीशन देखा जाए तो इस टाइम 95% कंडीशन के अंदर टायर्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन के अंदर गाड़ी है और टचिंग भी बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी की और मतलब जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। तो पीछे से चलते चले तो गाड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर नजर आ रही है, साफ पीस है और आफ्टर मार्केट और देखा जाए तो यहाँ पर ये डेकोरेशन इन्होंने मैट लगा लिया बम्पर के ऊपर और फिर उसके बाद पीछे वाले जो मिरर्स है वो सारे मिरर्स ही कुछ पीछे वाले जो है ये होते हैं, ये वाले मिरर जो है ये फुली टिंटेड है और आगे वाले जो है वो 15% है और पीछे वाले 50%। तो ऊपर से आप देख सकते हैं इसका रूफ भी। तो अंदर से इंटीरियर की बात करते चले तो इंटीरियर में देखा जाए तो कोशिश बिल्कुल नहीं हुई है गाड़ी की या जेन्युइन इसी तरह आती होगी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन के अंदर है और यहाँ पर इसके स्पीकर्स भी नहीं है, काफी हैचबैक कार है कह सकते हैं कि बस अच्छा दे देती है लुक एंड फील जितने पैसों की है। फिर उसके बाद लेग स्पेस थोड़ी सी सही मिल जाती है, थोड़े आपके घुटने टच होते हैं लेकिन वही है कि लॉन्ग रूट में उस तरह ये गाड़ी का आरामद नहीं है लेकिन लोग लेते हैं। तो डैशबोर्ड की बात करें तो ये VX-R है, AC आता है इसके अंदर, फिर उसके बाद मीटर भी वही जो सेम आता है जो 1990 से आ रहा है वही आज तक आ रहा है और आगे जो है स्पीकर डोर फिटेड स्पीकर आ जाते हैं आगे। और उसके बाद जो है फिर चलते चले तो ये जो होती है ये गाड़ी जो 800 cc है और ये 4 फॉरवर्ड गियर होती है, 4 गियर आते हैं इसके अंदर क्योंकि 800 cc है। तो चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसके अलावा इंजन की बात करते चले तो इंजन जो है इसका 800 cc आता है इंजन, तो उस हिसाब से ये आपको 35 हॉर्स पावर जनरेट करता है और यहाँ पर गाड़ी पर सिर्फ पेट्रोल पे है, CNG वाला सीन नहीं है क्योंकि CNG से एक तो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी भी लो होती है और वो वजन का वजन रहता है। तो इसके अलावा इंजन की कंडीशन अच्छी नजर आ रही है, जो इसकी माइलेज है जितना इंजन चला हुआ है वो 12,000 किलोमीटर चली हुई है ये और गाड़ी की जो ये डिमांड कर रहे हैं, गाड़ी की डिमांड जो है ये 14 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। बाइक का नंबर लेंगे और आपको बताएंगे। और इसके अलावा आगे चलते चले तो यहाँ पर आपको जो है हेलोजन बल्ब लाइट आ जाती है और नीचे जो है ये जो इसकी लो डिम बीम के साथ आ जाती है, तो ये इसके अंदर एक फंक्शन आती है लेकिन सेम ही है। तो बाकी पूछते हैं इनसे डिमांड की। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वलीद। अच्छा वलीद भाई अपना फोन नंबर बोल दे जरा। 0316 536 3699। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और गाड़ी नजर आई है और ये है आपकी होंडा सिटी 1.3 cc के साथ आती है ये और सिम नंबर गाड़ी है। और गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो ये छत बोनट डिग्गी जो है इसकी जेन्युइन है और बाकी जो है ये थोड़ी सी टचिंग में और शावर्ड है। तो बाकी आगे से गाड़ी की शेप के बारे में बात करते हैं कि 2003 में ये वाली शेप आती है और इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने LED लाइट्स लगवाई हुई है, आफ्टर मार्केट आती है ये और आगे ग्रिल आ जाती है ब्लैक में, तो ये ओरिजिनल शेप जो आती है उसी तरह। बाकी सिल्वर कलर के सिल्वर ग्रे कलर आ रहा है इसके अंदर और यहाँ पर जो है जो इसके स्टॉक आते हैं रिम्स आते हैं वही लगे हुए हैं और साथ में व्हील कप्स हैं। तो आगे चलते जाते हैं, पीछे से आपको मैं इसकी शेप भी दिखाता हूँ। पीछे से भी अच्छी शेप देती है, जैसे आपको बोल रही लगता आंटी ने गूगल्स पहने हो सेम उसी तरह की शेप आती है इसकी और सेडान में और कम पैसे में अच्छी चॉइस है ये और है भी 2013 मॉडल। इसके साथ से चलते चले तो यहाँ पर इसके आपको डोर पैनल्स मिल जाते हैं, लेदर डोर पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, अच्छे डोर पैनल्स हैं। और यहाँ पर गाड़ी की अंदर की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, अंदर से बिल्कुल जेन्युइन है और यहाँ पर ये जो है ये इसकी जो लेग स्पेस की बात करें तो बिल्कुल लेग स्पेस इसकी बहुत अच्छी है। ये देखें कितना डिफरेंस है मेरे, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी टांगों और इसमें सीट में कितना डिफरेंस है। और नई पोशिंग हुई हुई है गाड़ी की, पीछे 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं और लेग स्पेस ही सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है इसकी। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है RPM मीटर नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर जो है सिर्फ आपको वो जो है स्पीडो मीटर मिल जाता है। और आगे जो है इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है। फिर आपको AC मिल जाते हैं,
एसी भी अच्छी, इसकी एसी बल्कि ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, और इसके साथ साथ जो है पावर विंडो आ जाती है यहाँ पर, और पावर विंडो आगे फुली जो है वो आपके जो हैंड कंट्रोल्स में है। तो बाकी गाड़ी जो है वह 1300 cc होती है, और ये आपको 10 तक की एवरेज दे देती है। फिर उसके बाद गाड़ी जो है इस टाइम 90,000 किलोमीटर चली हुई है और 12 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी इनके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? साकिब। साकिब भाई कौन सी गाड़ी है ये? ये सिटी 2003 है। और ये कौन सा मॉडल है, बेस मॉडल है या क्या है? ये EXIS है। और क्या कितने सीसी आती है ये? ये 1300 cc गाड़ी। तो आप तो क्योंकि इसके ऑनर हैं, तो गाड़ी की कंडीशन के बारे में बताएं जरा। परफेक्ट है, 4 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे नाम पे गाड़ी है, 100% ओके गाड़ी है। और क्या एवरेज दे देती है आपकी अपने पर्सनल? 12-13 की विदाउट एसी। विदाउट एसी। और इसके अलावा जो है सस्पेंशन वाइज भी काफी अच्छी होगी, सेडान में अच्छी है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी? इसकी 12 लाख रुपए डिमांड। और गाड़ी के टोकन क्लियर? हाँ, टोकन टैक्स वगैरह सारे क्लियर है, पेपर सारे ओरिजिनल मेरे पास है, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स मेरे पास है। और स्मार्ट कार्ड बना हुआ होगा? स्मार्ट कार्ड इसकी बुक की होती है। अच्छा, बुक की होती है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? 12 लाख रुपए। अपना फोन नंबर बोल दें। 0333-518-6887। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए एक और गाड़ी नज़र आई है, और ये है, आपको पता ही है क्या है, ये टोयोटा करोला 1.3 cc में आती है ये, और 2009 मॉडल है, VVTi इंजन होता है इसका। और इसके साथ साथ आपको मैं इसकी फ्रंट लुक के बारे में देखा देता हूँ। स्माइलिंग फेस लुक आती है इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपको जो LED लाइट्स मिल जाती हैं, और आगे जो है लो हाई बीम लाइट आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ग्रिल आ जाती है क्रोम प्लेटेड, और इसके नीचे जो है आपको फोग लाइट्स ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंपनी फिटेड जैसे स्टॉक की वैसे आई है। और यहाँ पर जो है गाड़ी की फायर से कंडीशन की बात करें, तो ये जो है आगे से बम्पर चेंज है, और जो है इसका जो बॉनेट है वो भी शॉवर्ड है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है इसके स्टॉक रिम आ जाते हैं, जिसके ऊपर जो है व्हील कप्स लगे हुए हैं, और फ्रंट डोर्स जो है दोनों साइड्स के वो पेंट है, और पीछे सारी गाड़ी जो है वो जेन्युइन है। और पीछे से मैं आपको इसकी लुक दिखाता चलूँ, तो इस्लाम आबाद नंबर गाड़ी है, और पीछे से जो है ये ब्लैक टिंटेड हुए हुए हैं इसके विंडोज। तो यहाँ पर अंदर से आपको दिखाता चलूँ, तो यहाँ पर जो है ये क्योंकि बेस मॉडल था, तो इसके अंदर जो है वो पावर विंडोज़ नहीं आती, हालांकि पावर विंडोज़ का पैनल लगा हुआ है, अगर बाहर आफ्टर मार्केट लगवानी है तो उसको लगवा सकते हैं। और अंदर से गाड़ी की लेदर पोशिंग हुई हुई है स्किन और ब्लैक खूबसूरत कम्बिनेशन के साथ। गाड़ी की लेग स्पेस की बात करें तो वही बड़ी सेडान गाड़ी है, तो लेग स्पेस तो अच्छी होगी। और इसके साथ साथ आपको जो है ड्राइवर के क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाते हैं कि पावर्ड मिरर्स हुए हैं, और यहाँ पर 20,50,000 की ये रेंज में आ रही है, और अंदर जो है ABS ब्रेक्स आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद RPM मीटर आ जाता है, फिर उसके बाद जो है 1300 cc के साथ ये आपको कम से कम भी 10 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, 10 से 12 की एवरेज। और आगे वाले जो है डोर्स जो है वो स्पीकर फिटेड आते हैं, फिर उसके बाद मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ गया, LED डिस्प्ले आ गया इसके अंदर, और पावर स्टीयरिंग आ गई है, फिर उसके और अच्छी लुक दे रही है गाड़ी। तो बात करते हैं इनके ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम भाई कौन सी गाड़ी है ये? ये नौ मॉडल है। ये नो मॉडल क्रोला क्या है, XLi है? जी XLi है। XLi है। और बॉडी वाइज कंडीशन क्या है गाड़ी की? बॉडी वाइज बाहर से 60% जेन्युइन है और 40% टचिंग है। सही हो गया। और इसके अंदर जो है ये मेरे ख्याल से बेस मॉडल था ये? ये जो है ना अपलिफ्ट की हुई है गाड़ी। अच्छा, ठीक है, ये नौ मॉडल है, इस्लामाबाद नंबर की। सही हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कितने सीसी इंजन आता है? 1300। और इसके अलावा जो है पावर मिरर हुए भी है मेरे ख्याल से? नहीं, पावर नहीं हुए, वैसे ही है, शादी एक्स नहीं, साइड मिरर पावर है मेरे ख्याल से। साइड मिरर पावर है। और इसके अलावा जो है क्या डिमांड करें? है इसकी 20-50। और स्मार्ट कार्ड वगैरह बना हुआ है? जी सब कुछ बना। और टोकन क्लियर है इसके? हर चीज़ ओके। तो फोन नंबर बोल दे अपना प्लीज। 0314-566-3889। थैंक यू सो मच भाई। सो एक और गाड़ी नजर आई है, और ये 2009 मॉडल सुजुकी कल्टस है, 1000 cc के साथ ये गाड़ी आती है। और इस गाड़ी के जो 2008 मॉडल है, आगे से गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है आफ्टर मार्केट LED लाइट्स लगी हुई है, लो हाई बीम लाइट्स के साथ आती है ये, और इसके साथ साथ जो है आगे क्रोम प्लेटेड इसकी ग्रिल लगी हुई है, और यहाँ पर जो है इसके आफ्टर मार्केट जो है यहाँ पर रिम्स लगे हुए हैं, 15 इंच की रिम्स होंगे, और इसके साथ साथ आगे चलते चलते ब्लैक कलर के अंदर है, बाहर से पूरी शॉवर्ड है, और जो इसके मिरर्स है विंडोज टिंटेड ब्लैक होंगे, पीछे वाली 50% और आगे वाली 15% है, और पीछे से फुली ब्लैक माफिया टाइप लुक दी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर ऊपर चलते हैं तो आप देखते होंगे रूफ की कंडीशन वगैरह, अंदर से गाड़ी जेन्युइन है, तो अंदर से कंडीशन के बारे में आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पर
ब्लैक पोर्शन के साथ ब्लैक लेदर राइट पोर्शन हुई भी है और ऑटो ऑटो विंडोज वगैरह हुई भी है जो कि ऑटो मार्केट है और एसी आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी जो है ये EFI इंजन है और पीछे से जो आप देख सकते हैं लोग इसके, तो इसके इंजन की तरफ चलते हैं। अगर इंजन की बात करें